बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको बनाना सिखा रही हूँ शिमला मिर्च और आलू का पुलाव, जो कि बहुत इजी रेसिपी है, आप भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मैंने शिमला मिर्च ले ली थी 2 पीसेस छोटे, एंड प्याज ले ली थी बारीक कटी हुई 3 अदद बड़े साइज़ में, और टमाटर ले लिए थे मैंने 5 छोटे टुकड़ों में कटे हुए, और लंबे साइज़ में मैंने आलू काट लिया था 1 kg लिए थे जो कि मैंने, एंड 1 kg ही मैंने राइस लिए थे। और दूसरी तरफ मैंने चूल्हे में पतीली को पहले से रख लिया था, उसमें ऑयल गरम कर लिया था मैंने पतीली में, और ये देखें हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, और प्याज को हम इसमें तब तक अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए। प्याज़ों को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे तब तक जब तक ये गोल्डन ना हो जाए, क्योंकि जितना अच्छा प्याज़ों का कलर आएगा उतना अच्छा ही चावल का कलर आएगा। ये देखिए हमारे प्याज गोल्डन हो चुके हैं, और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पाउडर डाल देंगे। आप लोगों के पास अगर लहसुन अदरक का पेस्ट हो तो वो डाल दें, मेरे पास अभी ये फ़िलहाल अवेलेबल था तो मैंने ये डाल दिया। अब हम प्याज़ों को अच्छे तरीके से इतना हम इसमें भूनेंगे कि लहसुन अदरक का जो पाउडर है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसको इतना अच्छे तरीके से भूनेंगे कि लहसुन अदरक का पाउडर मिक्स हो जाए, और अगर आपको लगे कि प्याज पतीली के साथ लग रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि प्याज पतीली के साथ लग रहे हैं भूनते हुए तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा। और अब हम इसमें पानी ऐड थोड़ा सा कर रहे हैं, और पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा और भून लें। उसको भूनने के बाद पुलाव में जितने भी जो मसाले डलते हैं उसके बाद हम इसमें वो डालेंगे। इसमें मैंने लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और जितने भी गरम मसाले के जो खड़े मसाले होते हैं वो इसमें हमने डाल लिए हैं। अब हम इसको इतना अच्छे तरीके से भूनेंगे, और भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों को हम तब तक अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। याद रखें जब भी आप लोग पुलाव बिरयानी कुछ भी बना रहे हो तो उसकी ग्रेवी जो होती है उस पर ध्यान दिया करें, क्योंकि ग्रेवी जितनी अच्छी हमारी भुनेगी, अच्छी बनेगी, उतना ही अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। और मसाले को तब तक भूनते हैं जब तक ऑयल एक तरफ ना हो जाए। और अब हम मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखें हमारा मसाला कितना अच्छा तैयार हुआ है, और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे, और अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। आलू मैंने 1 kg लिए थे, एंड 1 kg ही राइस थे। वैसे हम आलू मिर्च और शिमला का पुलाव बना रहे हैं, लेकिन हम आलू पहले डालेंगे, शिमला मिर्च हम लोग बाद में डालेंगे क्योंकि वो इसमें मेल्ट हो जाती है शिमला मिर्च, तो हम इसलिए बाद में डालेंगे ताकि वो खड़ी रहे। अब हम आलू को अच्छे तरीके से भूनेंगे, और आलू को अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने 3 मग राइस लिए थे, और 3 मग राइस मैंने 3.5 मग राइस लिए थे, और 3.5 मग राइस लिए थे, तो इसमें हम पानी डालेंगे 5 कप, क्योंकि जितने चावल होते हैं उससे ज़्यादा क्वांटिटी पानी की होनी चाहिए। तो 3.5 मग मैंने राइस लिए थे, इसमें मैंने 5 मग पानी डाला है। अब हम इसमें अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको दम पे रख देंगे। अब हमारा पानी उबल चुका है, और पानी उबलने के बाद अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे सारे अच्छे तरीके से। और राइस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके बाद शिमला मिर्च और हरी मिर्च डाल देंगे। इसको अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, और इसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे मिक्स करने के बाद। तब तक दम रखेंगे जब तक कि थोड़ा पानी इसका खुश्क ना हो जाए। और इस कंडीशन में जब पानी थोड़ा सा रह जाए चावलों में, तो अगर आपको लगे कि नमक कम है चावलों में तो आप लोग नमक ऐड कर सकते हैं इसमें। मैंने नमक पूरा डाला था तो मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी। और अब हम इसको 12 मिनट थोड़ी तेज़ आंच पे रखेंगे दम पे, और 5 मिनट हल्की आंच पे रखेंगे अच्छे तरीके से। और ये देखें हमारे चावल कितने अच्छे तरीके से पक चुके हैं, और कितने अच्छे बने हैं, माशाल्लाह खिले खिले राइस बने हैं। और अब हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी शक्ल आई है चावलों की।
अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।